हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अमरोहा को रिव्यू करेंगे दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमरोहा गजरौला में है ये कॉलेज, ठीक है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इस कॉलेज का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मैनेजमेंट यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज मैं कहूँगा, ठीक है। इस कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो एवरेज ही कहेंगे, अच्छा नहीं है, बहुत बहुत खराब भी नहीं है, एवरेज। ओपीडी की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 ओपीडी आपको पर डे यहाँ पर मिल जाएगा, मिला जुला के उसके आसपास, ठीक है। कभी कम बेस भी होता रहता है। फीस की बात करें तो 2,04,600 रुपये इसकी फीस है और 60,000 रुपये आपको हॉस्टल फीस लगेगी। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ 12 लाख रही थी और 12 लाख पे लॉट हो गई थी। इस साल 180-100 के आसपास से कॉलेज मिल जाएगी। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी आपको एवरेज टू एवरेज मिलेगा फैकल्टी आपको यहाँ पर। लोकेशंस इसका अच्छा है, ठीक है दोस्तों। डिपार्टमेंट आपको सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन सारे डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आपको नहीं मिलेगी, आईपीडी पेशेंट्स आपको नहीं मिलेगा इस कॉलेज में, लेकिन ओपीडी लेवल पे पेशेंट मिलेगा। फैकल्टी आपको एवरेज मिल जाएंगे सब ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी फैकल्टी आपको एवरेज मिलेंगे। कुछ बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर ये सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है मैक्सिमम जो है, मतलब एक दो फैकल्टी को छोड़ दे तो फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट अच्छा समझ में आता है। फिर सेकेंड ईयर में जा करके भी वहाँ पर एक दो फैकल्टी में दिक्कत है, फिर बाकी सब सही है। फिर फाइनल ईयर में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत इस कॉलेज में नहीं है। ओवरऑल अगर इस कॉलेज को रेटिंग करें तो 4 out of 5 इस कॉलेज को दे सकते हैं, ठीक है। इवन आपको इस जो ये कॉलेज है, पर सबसे खास बात क्या है कि आपको सस्ता में अगर एक कॉलेज चाहिए, जैसे कम बजट वाले जो बच्चे हैं जिनको कम फीस में कोई कॉलेज चाहिए, तो आप कम बजट में ये कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि 2,04,000 रुपये फीस है और 60,000 रुपये हॉस्टल पड़ता है। आप हॉस्टल के बाहर भी रह सकते हैं, तो यहाँ पर कोई बंदिशें नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगा और वहाँ के जो आसपास के इलाके गजरौला वगैरह में, वहाँ पर आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं खुद को सीखने के पर्पज से, ठीक है। तो इस कॉलेज में कोई बाउंडेशंस नहीं रहती है कि आप बाहर काम नहीं कर सकते, सीखने नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको एक फ्रीडम मिलेगी और बाकी आपको कॉलेज में भी सीखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय आयुर्वेद कॉलेज का रिव्यू में इतना ही। कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।